हेलो गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ट्रिप पर। अर्जुन बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू कैबिन इन द फॉरेस्ट। वेयर एंड व्हिच प्लेस? इन ब्रोकन बो, ओक्लाहोमा। तो हम लोग ओक्लाहोमा जा रहे हैं 2 दिन की ट्रिप पर, क्योंकि अभी बहुत लॉन्ग वीकेंड आया हुआ है, हॉलीडेज है सबकी, तो हमने सोचा कहीं जाते हैं। देखिए हमारी कार कितनी एकदम पूरी फुल पड़ी हुई है, सब सामान है। So we are going to a cabin. It will take 3 hours to reach there. हाँ, तो हमें 3 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने में। तो मैं वहाँ जाके आपको दिखाऊंगी कैसा है वो जगह। वैसे मैंने अपने वीडियो में पहले भी डाल रखा है, वहाँ पहले भी जा चुके हैं। अभी हम लोग सेकेंड टाइम वहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है, बहुत शांत जंगल है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। चलिए वहीं पे मिलते हैं आपसे फिर। देखिए मौसम एकदम बदल चुका है, सामने दिखाई दे रहा है कितने काले काले बादल छाए हुए हैं। बहुत ही प्यारा मौसम है, एकदम बिजली चमक रही है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। ये देखिए, अभी थोड़ी देखिएगा आपको बिजली भी दिखाई देगी चमकती हुई।
और यहाँ पर देखिए कितने घने बादल हैं, बिजली भी चमक रही है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बिजली चमकती हुई दिखाई दे रही है, एकदम बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि बस अब जस्ट बारिश होने ही वाली है, बस स्टार्ट हो ही जाएगी अभी। बूंदाबांदी शुरू भी हो गई थोड़ी सी, बहुत तेज होने वाली है रेन। थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि रोड बहुत वाइड नहीं है, पतली रोड है और आने जाने वाले दोनों सेम रोड पर है, तो क्योंकि छोटी जगह है ना तो यहाँ पर सिंगल लेन रोड ही है। देखिए बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये तो कोई बोर्ड लगा साइड में, देखो। हाँ वो मैंने देख लिया, उसने कहा 0.6 मार के लेफ्ट ले लो, 0.6 के बाद या तो ये लेफ्ट है या वो लेफ्ट है, वो क्लियर नहीं दिख रहा। वो तो राइट है ना। हाँ रुक देखो जी, होगा मतलब सीधा जाके लेफ्ट लेना होगा, वो क्लियर नहीं दिख रहा। अरे वाह यार क्या मजेदार है। यहाँ पे क्या है कि इंटरनेट काम नहीं करता, इंटरनेट चला जाता है तो कैबिन्स वाले हमें जो है एड्रेस बताते हैं वो, कि इधर टर्न करना है, इधर टर्न करना है, उस हिसाब से हमें पहुँचना होता है। तो हम वही सर्च कर रहे हैं कि किधर है, उन्होंने हमें सारा बता दिया है, तो हम वही खोज खोज के जा रहे हैं, वही सर्च कर रहे हैं हमारा कैबिन किधर है। बस पहुँचने ही वाले हैं। एरो क्रीक नाम है हमारा, विस्परिंग क्रीक है। और कितना प्यारा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, बहुत सारे चॉक कैबिन है, ये क्या पहुंच गए हमारा विस्परिंग, क्या क्या नाम था भैया, विस्परिंग क्रीक था। अच्छा ये तो लास्ट नहीं, आगे भी है, लास्ट नहीं है। अच्छा आगे भी, एक काम करो मैं देखूंगा। हां रुक चलिए यार, भाई बारिश में सुनो, बारिश में जकूजी में बैठेंगे।
I don't want a bear to come in here. I'm not loving an event invited in my birthday. I'm scared. पर यार काफी जंगल में है अपन. दो विस्परिंग क्रीक. दो पापा विस्परिंग क्रीक. पापा शब्दी गो. Really running. अभी रुको थोड़ा सा वेट करो. पापा we should. बहुत तेज बारिश है. हाँ जाएंगे अभी नहीं जा रहे हैं अभी अंदर वैसे ही बंद है हाँ यहीं पर बैठ पाओगे डैक में बहुत तेज बारिश हो रही है डैक में बैठते हैं तो इसीलिए मैं अपना ब्लैंकेट लाया था कोजी के लिए इसे कहते हैं कोजी वाला That's why safebodyscan.org wants you to know about a new low-dose CT scan that can detect lung cancer early. It takes only 60 seconds and could save your life. तो ये हमारा एंट्रेंस है इधर से हमारी पार्किंग खड़ी हुई है हमारी कार ये खड़ी हुई है यहाँ पर ओ माय गॉड बहुत बिजली चमक रही है यार बहुत अच्छी बारिश भी हो रही है मस्त हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है और ये हमारा सतपुजी बाप का है अरे गर्म है पूरा इतने गर्म में कौन बैठेगा तो ये जकूजी है हमारा जंगल बड़ा हुआ है बहुत ग्रीनरी है पूरा जंगल ही जंगल है और यहाँ पे थोड़ा सिटिंग का एरिया है तो आप यहाँ पे बैठ के अपना चाय पी सकते हैं और ये ग्रीन है इसमें आप ग्रीन कर सकते हैं कुछ भी और इधर अच्छे कलर दिया हुआ है थोड़ा सा घूमने के लिए और अच्छा इधर है पार्किंग कैंपिंग डे और अब चलिए आपको अंदर दिखाते हैं अभी ओपन नहीं हुआ है अभी 4 o'clock पे ओपन होगा ओपन होता है तो ये भी अंदर ना है जब ओपन हो जाएगा तब अभी अंदर चलेंगे